हनीप्रीत के पाप की पूरी फिल्म। थैंक यू माई 1 मिलियन इंस्टा फैम। आप सब मुझे अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे। हाँ ये कर लो पहले। किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी ना होती इतनी खूबसूरत अगर पापा आप ना मिलते। समझ रहे हो आप? पापा जी हमेशा हमें अपनी शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा और ऐसे ही खुशियां देते रहें। फकर मुझे होता है पापा आपकी रहमत पे। पीछे देखो पीछे। आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कर रहा हूँ, वो उसकी लड़की नहीं है, किसी भी कीमत पे लड़की नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ सबको, भी बच्चे उधर सो गए, माँ बाप इधर सो गए, एक दरवाजा है तो बाहर से बाबा घुस जाता था, इधर से मैं और मेरी हनीप्रीत वाइफ घुस जाती थी। जो बाहर खड़े लोगों को लगता था कि बाबा अपने कमरे में गए या अपने कमरे में, वो उधर से निकल के उधर चली जाती थी। वो ना रात को कभी आती थी, उसके पास उसकी बेड पे ही सोती थी। वो कौन सी बेटी है आज, कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को अपने एक बेड पर सुलाएगा? आज कलयुग में कौन है, कोई सुला सकता है? जैसे मैं बाहर आया, मैं पानी पीने के लिए बाहर आया, तो जब आदमी को क्रोस्टी भी है, बेचैन भी है, परेशान भी है, वो क्या करेगा? तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ सुनाई दी वहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं बाबा के कमरे के साथ जैसे ऐसे हुआ तो दरवाज़ा, पता नहीं भगवान ने मेरी आँख पूरी 100% खोलनी थी, क्या था वो तो भगवान जाने, वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुला तो अंदर सारा सब कुछ चल रहा था, वो न्यूड थे, सेक्स कर रहे थे। ये कोई रंडी खा रहा है। बाकी भैया मेरी एक, उस टाइम मैंने जब कहा, उस टाइम तो मेरी वाइफ थी, चलो आज तो वाइफ नहीं है, मेरा डिवोर्स हो गया, पर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ा, ये बहुत जरूरी था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? समाज बाप बेटी के रिश्ते पर जल्दी सवाल नहीं उठाता, क्योंकि कोई हर्ज नहीं है बाप को माँ समझने, दोस्त समझने में, राखी बांधने में, मगर हर रिश्ते की एक हद होती है, और जब वो हद पार हो जाए तो बाप राम रहीम बनता है और बेटी हनीप्रीत।